मान जाओ सासू माँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि ससुराल में सबसे खास चीज कौन सी होती है, तो मैं कहूंगी कि अगर आपके ससुराल में आपकी सास आपसे खुश है ना, तो पूरा ससुराल आपकी मुट्ठी में है ना, सही बात। और यही सोच हमारी सोनिया की भी थी, इसीलिए तो वो अपनी शादी के पहले इतनी तैयारी कर रही थी जिससे शादी के बाद किसी को भी उससे कोई शिकायत ना हो। अरे सोनिया, क्या कर रही है? इस वक्त कितनी देर हो गई है? अरे माँ, मैं ना ऑनलाइन एक नई डिश देख रही थी, बस वही बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे अब कुछ दिन बचे हैं तेरी शादी में, थोड़ा सा तो आराम कर ले बेटा। माँ कुछ ही दिन बचे ना, इसीलिए तो करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर मैं फेल हो जाऊं। पर इतना कुछ तो सीखा है तूने, पहले से ही खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब कुछ तो आता है तुझे, फिर क्यों इतनी चिंता कर रही है? माँ तुम्हें पता है ना सासे कैसी होती है, पता नहीं कब कौन सी बात इन्हें बुरी लग जाए। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ जिससे मेरी सास मुझसे कभी भी नाराज ना हो। और अगर फिर भी तेरी सास तुझसे नाराज हो गई तो फिर क्या, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं वैसी बहू नहीं बनना चाहती जो सास को हमेशा ही गुस्सा दिलाती रहे, अगर वो गुस्सा हो जाएंगी तो मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक अच्छी बहू साबित होगी। चलो बहुत देर हो गई है, सो जा। ठीक है माँ। सोनिया ने शादी से पहले ही सब सीख लिया था जिससे शादी के बाद किसी को भी उस पर सवाल उठाने का या नाराज होने का मौका ही ना मिले। लेकिन वो कहते ना, आप जो सोचते हैं ससुराल के बारे में वैसा होता नहीं है। सोनिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सोनिया शादी के बाद जब अपनी माँ से बात कर रही है। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊँ माँ, क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी वहाँ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर यहाँ तो मेहमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब देखो कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरी शादी को 5 महीने हो गए लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद खत्म ही नहीं हो रहा। अभी भी कोई मेहमान है क्या तेरे ससुराल में? हाँ माँ, मेरी सास की बहन आई हुई है और उनके पति आज जा रहे हैं, सुबह से उनके लिए खाना बना रही थी। अनुज और मुझे तो घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अरे तुम अपनी सास से बात करके देखो ना, उनसे कहकर देखो। अरे माँ, अब उनसे कैसे कहूँ कि मुझे आपके मायके वाले अच्छे नहीं लग रहे, वो बुरा नहीं मान जाएंगी क्या? तभी अचानक कावेरी आ जाती है। सोनिया चलो, मौसी जी जा रही है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली होगी। हे भगवान, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सोनिया को लग रहा था कि उसकी सास ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो मन ही मन घबरा रही थी। उसकी मौसी जी के जाते ही सोनिया कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सास को बहला सके। कितनी अच्छी है ना मौसी जी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है ना अनुज? हाँ, मेरी तो बचपन से ही फेवरेट है मौसी जी। और कितने सारे तोहफे भी लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद आया सच में। हाँ वो तो है। चलो मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ माँ जी का ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बार बार? बस ऐसे ही। माँ जी आप चाय पियेंगी? कावेरी नाम में सर हिलाकर अंदर कमरे में चली जाती है। माँ जी ने जवाब भी नहीं दिया, यूं ही चली गई कमरे में। अरे शायद थक गई होंगी इसलिए आराम करने चली गई होंगी। चलो मैं भी चलता हूँ। थक गई है या रूठ गई है? मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, इसलिए मुझसे कुछ कहा भी नहीं, बात भी नहीं कर रही, ऐसे ही कमरे में चली गई। कुछ कर सोनिया, कुछ कर, कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा, वरना अगर उन्होंने अनुज को बता दिया कि मैं उनकी मौसी जी की माँ से बुराई कर रही थी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ भी करके मना कर ही रहूंगी। सोनिया की सास बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गई। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। अब सोनिया को ज्यादा चिंता हो रही थी इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही सास के कमरे में जाकर उनसे बात कर ले। माँ जी आप सो रही हैं अभी तक? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी हाँ में सर हिला देती है। मैं आपके लिए कुछ लाऊं, चाय बना कर लाऊं, आपके सर का दर्द भी उतर जाएगा। और ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही, अब क्या करूं? चाय के लिए भी मना कर रही है, अब कैसे मनाऊं? नहीं 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 नहीं, सोनिया कैसे भी करके इन्हें अनुज के आने से पहले मनाना ही होगा। और कावेरी बिना कुछ कहे सो जाती है। सोनिया बार बार कोशिश कर रही थी अपनी सास को मना पाए लेकिन उसकी सास उससे बात करने के लिए राजी नहीं थी।
लेकिन सोनिया भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो अपनी कोशिश जारी रखती है। माजी देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपकी पसंद की सारी चीजें, छोले हैं, हलवा है, पूरी है और आपकी पसंद का रायता भी है। कावेरी बिस्तर से उठती है और नामे सर हिलाती है। अरे माँ जी खाकर तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब आपकी पसंद का खाना है। नहीं खाएंगी आप सच में? मैं आपके लिए और कुछ बनाकर लाऊं? अरे इन्होंने तो ठान लिए कि कोई बात नहीं मानेंगी मेरी, लगता है आज तो मेरी शिकायत अपने बेटे से करके रहेंगी। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में कि मैंने उनकी माँ को नाराज कर दिया, वो खाना भी नहीं खा रही। अब क्या करूँ, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। नहीं 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 सोनिया तो इस तरह हार नहीं मान सकती, तुझे कुछ और सोचना होगा। सोनिया खाना लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी ये चाल भी काम नहीं आती। अब सोनिया ने सोचा कि शायद उसकी सास किसी तोहफे से मान जाए, इसलिए उसने बाजार जाकर कई सारी चीजें खरीदी और अपनी सास के पास आई। माँ जी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना फूल। कावेरी गुलदस्ता लेकर पास पड़े टेबल पर रख देती है। यही नहीं बहुत कुछ है आपके लिए, ये देखिए मैं आपके लिए ये प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ, आपको कैसे लगा आप पहन कर देखिए ना। कावेरी बिस्तर से उठती है, पहन कर देखती है और उतार कर अलमारी में रख देती है। अच्छा ये भी नहीं, तो ये देखिए मैं आपके लिए नया पर्स लाई हूँ, ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ना, बहुत सुंदर। कावेरी पर्स को अच्छे से देखती है और उसे भी अलमारी में रख देती है। माँ जी मैं आपके लिए गजरे भी लाई हूँ, देखिए ना आप इन्हें लगाकर बिल्कुल मधुबाला लगेंगी। कावेरी गजरा लेकर बालों में लगाती है। और ये तो अभी भी गुस्सा है बहुत, अब तो मैंने सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, क्या करूँ अब। तभी कावेरी फिर से सो जाती है। सोनिया की हर कोशिश नाकामयाब गई थी क्योंकि अभी तक कावेरी ने ना कुछ खाया था और ना ही उससे बात की थी, और अब तो पूरा दिन निकलने के बाद अनुज भी ऑफिस से आ चुका था। अरे माँ कहाँ है सोनिया? वो सुबह से अपने कमरे में ही है, ना कुछ खाया ना मुझसे बात कर रही है। क्या, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब तो मैं पक्का गई, क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में, आज तो गुस्सा हो ही जाएंगे। मैं पैर पकड़ लूंगी माँ जी के, माफी मांग लूंगी और क्या। सोनिया सोनिया यहाँ आना। ये लो आ गया बुलावा, हे भोलेनाथ बचा लेना। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो सच में कि माँ का आज मौन व्रत था। क्या उनका आज मौन व्रत था, पर सुबह तो वो बात कर रही थी। अरे वो तो मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे के बाद व्रत शुरू करती है ना। हाँ बहू पर तूने तो आज मेरे लिए इतना कुछ ला दिया, चल अब खाना लगा दे बहुत भूख लगी है। ये लो मैंने इतनी मेहनत की, पूरा दिन गवाया, इतने पैसे खर्च कर दिए बस ये सुनने के लिए कि इनका मौन व्रत था। अरे सासू माँ पहले ही बता देती। अरे अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं भी मौन व्रत रख लूं। तो आपकी सासू माँ भी ऐसे रूठी है क्या कभी, कमेंट में बताइएगा। समाज ने लड़कियों के लिए कुछ बंधन बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उन बंधनों में बंधी रहे, लेकिन जब लड़की वो बंधन तोड़ देती है तब वो बेचारी नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है 25 साल की मेघा की। मेघा की शादी सुबोध से हुई है, वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसकी माँ कंचन को अपने बेटे की नौकरी पर बहुत घमंड है। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और फिर भी इतनी मामूली सी लड़की से शादी कर ली। अगर किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो खूब सारा दहेज रुपया पैसा मिलता मेरे बेटे को। मेघा ए मेघा कहाँ मर गई, जल्दी आ। जी जी माँ जी आपने बुलाया मुझे। तो सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या रहती है, कुछ घर का काम भी देख ले। देख घर कितना गंदा पड़ा है, कोई मेहमान घर पर आ गया तो क्या कहेगा। माँ जी मैंने तो सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर दी थी, देखिए तो घर तो साफ है। मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। बस तुझे तो काम ना करने के बहाने चाहिए। अरे मत कर कुछ काम, जा जाकर आराम से सो जा, मैं खुद कर लूंगी।
बुढ़ापे में बस यही देखना बाकी रह गया था। एक तो काम करती नहीं, ऊपर से जुबान चला रही है। सास के बार बार ताने सुनाने पर बेचारी मेघा ने दोबारे से घर का सारा काम किया और खाना बनाने के लिए लेट हो गई। जब सुबोध घर पर आया तो खाना तैयार नहीं था। क्या हुआ मेघा, आज तुमने खाना बनाने में बहुत देर कर दी। तुम ठीक तो हो ना? इसे क्या होगा, बिल्कुल ठीक है ये। अरे बस सोती रहती है दिन रात, ये नहीं कि घर का कुछ काम कर ले। इस तरह कंचन मेघा को बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन कंचन ने सुबोध से कहा, सुबोध मेरी मान, तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे, मैं तेरी शादी किसी अच्छी और अमीर घर की लड़की से करा दूंगी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो ये कुछ काम करती है, ना किसी चीज का ध्यान रखती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ कैसी बात करती हो आप, मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे तलाक नहीं दे सकता, और आज के बाद मुझसे इस बारे में आप कभी कोई बात नहीं करेंगी, समझी आप। सुबोध गुस्से में वहां से चला जाता है और कंचन सोचने लगती है, इस मेघा नाम की बला ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मेघा को तो इस घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकलवा कर रहूंगी। एक दिन कंचन और सुबोध को पता चलता है कि मेघा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर कंचन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो सुबोध के मन में नफरत फैलाना शुरू कर देती है। सुबोध बेटा, तुझे मेरी बात पर यकीन तो आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तेरी बीवी के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों घंटों तक छत पर रहती है और मोहल्ले के लड़कों से बात करती है। माँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है, अब कभी आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करेंगी। मैं मेघा से प्यार करता हूँ, ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? बेटा तुझे बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी। सुबोध को भले ही माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन में मेघा को लेकर शक पैदा हो चुका था। सुबोध जब भी काम से घर आता तो कंचन किसी न किसी बहाने मेघा को छत पर भेज दी थी। एक दिन सुबोध ने मेघा से पूछा, मेघा तुम सारा दिन छत पर करती क्या रहती हो, तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। मैं सारा दिन छत पर तो नहीं रहती, जब माँ भेजती है तभी जाती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो मेघा, माँ तुम्हारे बारे में मुझसे न जाने क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बस एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैंने कभी भी तुम्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। एक दिन कंचन के घर की लाइट चली गई और सुबोध के आने का समय भी हो गया था। कंचन ने मौके का फायदा उठाकर मेघा के कमरे में एक लड़के को भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय सुबोध भी आ गया। माँ घर में इतना अंधेरा क्यों है और मेघा कहाँ है? लाइट गई है बेटा, तेरी बीवी अपने कमरे से कभी बाहर निकलती है भला? होगी अपने कमरे में, जाकर देख ले क्या कर रही है। सुबोध अपने कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही लाइट आ जाती है। कमरे में से एक लड़का निकलकर भाग जाता है। सुबोध गुस्से से मेघा से पूछता है, मेघा कौन था ये और तुम्हारे साथ कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सुबोध, मैंने भी इसे लाइट आने के बाद देखा, कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे हमेशा समझाती रही कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने माँ की बात कभी नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुबोध ये क्या कहे जा रहे हो, ये सब सच नहीं है, आप मुझ पर शक कर रहे हो। मेघा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन सुबोध अपनी माँ के फैलाए जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब कंचन का रास्ता साफ था, उसने सुबोध की शादी अमीर घर की लड़की सौम्या से करवा दी, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। अब आई है मेरे बेटे के टक्कर की बहू, अच्छा हुआ उस कलमुही से मेरा और मेरे बेटे का पीछा छूट गया। सौम्या और सुबोध की शादी को कई दिन बीत गए। कंचन ने सौम्या को घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो सौम्या ने अपनी सास को चार बातें सुना दी। माँ जी
मैं यहाँ आपके घर का काम करने नहीं आई हूँ। आप तो दिन भर लेटी रहती हो, थोड़ा काम कर लोगी तो आपका कुछ भी गड़ नहीं जाएगा। मुझे वैसे भी दिन भर बहुत काम होते हैं। कंचन को सौम्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार मेघा की याद आई। वो बिना कहे सारे काम कर देती थी। इस तरह सौम्या जब देखो कभी अपनी सास से तो कभी अपने पति से लड़ती रहती। इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन आप दोनों ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी बोलते हो कपड़े धोले, कभी बोलते हो बर्तन धोले। अगर यही सब करवाना था तो कोई नौकरानी ले आते, शादी करने की क्या जरूरत थी आपको। और माँ जी, आपने मुझे बिना ताने मारे कभी कुछ खाने को दिया है? जब देखो ताने मारती रहती हो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हे भगवान, कैची की तरह जबान चलती है इसकी। मेरी पहली वाली बहू तो कुछ नहीं बोलती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो किसी गरीब घर की बेचारी सी लड़की होगी जिसने आप लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया। अगर मुझे इस तरह परेशान किया ना तो मैं आप दोनों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। इस तरह सौम्या अपने पति और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। सुबोध को ये बात सुनकर ज्यादा परेशानी होती है कि सौम्या कभी माँ नहीं बन पाएगी। एक दिन कंचन अपने बेटे सुबोध से बात कर रही थी। बेटा, तेरी दूसरी पत्नी तो बहुत खतरनाक निकली। मेघा कितनी अच्छी थी, तूने अच्छा नहीं किया उसे घर से निकाल कर। माँ, मेघा सौम्या की तरह बदतमीज नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र भी तो अच्छा नहीं था। आप ही तो उसके प्रेम के किस्से सुनाती रहती थी मुझे। अगर उस दिन कमरे में मैं उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखता तो शायद मैं उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाता। नहीं बेटा सुबोध, वो गलत नहीं थी। मैंने ही बार बार तेरे दिल में शक भरा और उस लड़के को मैंने ही पैसे देकर मेघा के कमरे में भेजा था ताकि तू सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और उसे घर से निकाल दे। ये बात सुनकर सुबोध को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुबोध कुछ बोल पाता उससे पहले ही सौम्या ने सारी बातें सुन ली थी। छी माँ जी, कितनी घटिया सोच है आपकी। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। इस तरह सौम्या घर छोड़कर चली जाती है और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर देती है। सुबोध को हर महीने खर्चे के रूप में मोटी रकम सौम्या को देनी पड़ती है। इससे उनका अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे अपने बेटे की नौकरी पर कितना घमंड था, लेकिन अब बेटे की नौकरी के पैसों से भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बेटा, तू मेघा को वापस ले आ। क्या पता वो हमें माफ कर दे तो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। माँ की बात मानकर सुबोध मेघा के घर चला जाता है। वो देखता है कि मेघा एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है। वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। मेघा सुबोध को देखकर तीखे स्वर में बोलती है, आप कौन सा नया इल्जाम देने आए हो सुबोध? मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने मुझे जो दिखाया मैंने वही देखा। मेघा, ये बच्चा हमारा है ना? नहीं सुबोध, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसके और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर शक करके अपने घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो मेघा, तुम मेरे साथ चलो। तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? नहीं सुबोध, अब मैं नहीं आ सकती। अब मैं वो बेचारी मेघा नहीं जिसे तुमने घर से निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने बच्चे की परवरिश तुमसे अच्छी तरह कर सकती हूँ। सुबोध ने मेघा से बहुत माफी मांगी, लेकिन मेघा ने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखकर सुबोध को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद सुबोध ऑफिस में उदास बैठा था, तभी उसे पता चला कि उसका नया मैनेजर आने वाला है। जब सुबोध के ऑफिस में नए मैनेजर की एंट्री हुई तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मेघा ही थी। मेघा अब अपने पति से ज्यादा कामयाब हो चुकी है और उसने ये साबित कर दिया है कि लड़की बेचारी नहीं होती है।